नमस्ते, जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का आपके चैनल कुक विद मीनाक्षी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी करेला चिप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। कितना क्रिस्पी बना है ना फ्रेंड्स, और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। एक बार इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम करेले को अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसको ऐसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम करेला लिया है। काटने के बाद अगर करेले को वॉश करते हैं तो फिर एक सूखे कपड़े में करेले को थोड़ा सा सुखा दीजिएगा, नहीं तो इसमें पानी रहेंगे तो फिर आपका करेले का चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे। करेले को मीडियम साइज में कट करिएगा, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला कट करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 4 से 5 लहसुन की कली लेंगे, उसको थोड़ा सा बीच में से कट कर लेंगे। आप थोड़ा क्रश करके भी डाल सकते हैं, पर मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। डेढ़ चम्मच सफेद तिल डालेंगे। सारी चीज़ों को बिना पानी के पहले मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तभी 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हम जब नमक डालेंगे वो पानी छोड़ने लगेगा। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो फिर आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि करेले में अच्छा सा एक कलर आ जाए। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला था। करेले के ऊपर बस मसाले का एक कोटिंग होना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। अब हमारा करेला तैयार है, चलिए जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे अच्छे से। एक एक करके करेले को डालेंगे, एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही करके डालिएगा। अगर एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये आपस में चिपक जाएंगे, फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा नीचे से सिकने के बाद हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे फ्लेवर के लिए। बीच में से थोड़ा सा कट लगा दीजिएगा। हरी मिर्च से करेले में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। मिर्ची को हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स मेरे चैनल को, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस में भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए मिर्ची अब हल्का सा फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल कर रख लेंगे। करेला को ऐसे ही पलट पलट कर फ्राई कर लीजिएगा जब तक कि करेला क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। ये देखिए करेले में अच्छा सा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गया है। अब हम इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। ऐसे ही सारे करेले को फ्राई करना है। ऐसे करेले के चिप्स बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। जो बच्चे करेले नहीं खाते होंगे ना फ्रेंड्स, ऐसे बनाएंगे तो वो भी करेले खाने लगेंगे। सारे करेले अभी फ्राई हो गए हैं, चलिए जल्दी से सर्व कर लेते हैं। आप भी अपने घर पे बनाइए और एंजॉय करिए। फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय जगन्नाथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।